नमस्कार, आकिब सिवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख लीजिए। इस समय आज हम लोग धनकौल में पहुंचे हैं। नीरज सिंह फाउंडेशन के द्वारा लगातार क्षेत्रों में कुछ न कुछ किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने हमने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कांवरियों के लिए बेलवा में मीठा जल के लिए वहां पर शिविर लगाया गया था। आज दूसरी तस्वीर हम आपको धनकौल में दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर नीरज सिंह फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। लगातार इस जिले में कई कार्यक्रम नीरज सिंह फाउंडेशन के द्वारा आयोजित हो रहे हैं, हर लोग उनको जानने लगे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मरीज पहुंचे हुए हैं निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में अपना इलाज कराने के लिए। तस्वीर के माध्यम से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। खास करके आप देख लीजिए कि निःशुल्क जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गए जाते हैं, आप देख लीजिए कि तस्वीर के माध्यम से हर जगह स्टॉल लगाया गया है। हर स्टॉल पर तमाम दवाइयाँ रखी गई है, डॉक्टर को बैठाया गया है और प्रत्येक जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में महिला पहुंची है इलाज कराने के लिए। तो सभी लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। महिला पहले आपको तस्वीरें दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराकर आप जैसे ही यहाँ आधार कार्ड देंगे, आगे की तरफ जो डॉक्टर बैठे हुए वो आपको देखेंगे, जो आपको परेशानी है वो आपका इलाज करेंगे। थोड़ा सा आगे की बातचीत करेंगे। आप देख लीजिए कि निःशुल्क जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, इसमें आसपास के जितने भी गाँव होते हैं काफी संख्या में यहाँ पर लोग अपना इलाज कराने पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर हड्डी के डॉक्टर हो या तमाम जो अन्य डॉक्टर है यहाँ पर बैठकर इलाज कर रहे हैं और इलाज कर यहाँ से दवाइयाँ जो है वो दवाइयाँ दी जा रही। इधर की तरफ आप देख सकते हैं कि बीपी का जो है वो यहाँ से बीपी जा रहा है। देखा कि कितना आपका बीपी है और जो परेशानी हो पा रही है, स्वास्थ्य संबंधित शिकायत आ रही है वो यहाँ के डॉक्टर देख रहे हैं। थोड़ा सा आगे हम आएंगे, यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया है यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर है वो बैठे हुए हैं। उनसे थोड़ा सा हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। क्या आपका शुभ नाम हुआ? अविनाश सिंह। डॉक्टर नहीं, मैं हॉस्पिटल प्रबंधक हूँ। हॉस्पिटल प्रबंधक जी। यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज जो आ रहा है वो क्या चीज़ को लेकर आ रहा है, क्या परेशानी सबसे ज्यादा होता है? देखिए, अभी तो यहाँ पे जनरल मेडिसिन का केस ज्यादा आ रहा है। बुखार, सर्दी, बीपी से रिलेटेड जो लोग हैं वैसे लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हड्डी के प्रॉब्लम से भी ग्रसित लोग हैं वो भी आ रहे हैं और पेट से प्रसिद्ध ग्रसित लोग भी यहाँ पे ज़्यादा अभी आ रहे हैं। मेन चीज़ अभी क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे प्राथमिक जो भी पेशेंट को प्राथमिक जो सुविधा दे सकते हैं तो हम लोग फिलहाल प्राथमिक सुविधा यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। और वैसे मरीज जो लगता है हमें कि इनको प्राथमिक से ज़्यादा की ज़रूरत है उसको हम लोग अपने अस्पताल के बारे में बताए हैं। मुजफ्फरपुर मेडिकल इमरजेंसी हॉस्पिटल हमारा है तो वहाँ के बारे में भी हम लोग बता रहे हैं कि वहाँ आइए, वहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध है। अनुभवी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं वहाँ पर, डॉक्टर मुरली मनोहर हैं, डॉक्टर ब्रह्मानंद जी हैं। तो इन लोगों को मतलब काफ़ी टाइम से वहाँ सेवा दे रहे हैं और भी हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो वहाँ पर सेवा दे रही है। तो सबको हम लोग वहाँ रिमोट कर रहे हैं कि वहाँ आइए, वहाँ आने के बाद जो भी आपको लगता है दिक्कत है उसका हम लोग वहाँ पर धन्यवाद। और इलाज करा रही है, हमारे साथ एक महिला मौजूद है अभी इलाज करा के आई है। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी जी, इलाज हो गया जी? दवाई वाई सब मिला है? हाँ, मिला है पाउडर। मिला है पाउडर। नीरज सिंह फाउंडेशन के द्वारा ये शिविर लगाया गया जी। जी, क्या कहना चाहिएगा उनके बारे में जो ये लगाया है शिविर, जो आप लोग का इलाज हो रहा है? तो अच्छा मानेंगे, कोई कार व्यवहार में अच्छा है। अच्छा जी, आशीर्वाद चाहिए ना? जी जी, एकदम आशीर्वाद रहेंगे, नाम जानते हैं ना। आप देख सकते हैं कि एक महिला का कहना है कि नीरज सिंह को हमारा भरपूर आशीर्वाद है, क्योंकि ऐसी पहल एक समाजसेवी के द्वारा अगर किया जाता है, जो उद्योगपति के द्वारा अगर किया जाता है तो ये सराहनीय पहल की बात कही जाती है। एक महिला ने क्या कहा आपने सुना, बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में धनकौल के आसपास के ग्रामीण जो पढ़ते हैं, इसके आसपास के मोहनपुर तमाम जो अन्य क्षेत्र पढ़ते हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं, इस स्वास्थ्य शिविर में अपना इलाज करा रहे हैं। कुछ पुरुषों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। इलाज कराने आए हैं? हाँ, इलाज कराने। हो गया इलाज? नहीं हुआ है अभी, नंबर लगा है। नंबर लग चुका है नीरज सिंह के द्वारा ही कैंप लगाया है। जी जी, क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद दे रहे हैं जी, गरीबों के लिए है ना, बहुत सुविधाएं दी। अगर दवा दे आराम हो जाएगा तो महीना दिन दस दिन आराम से रहेंगे, चैन से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देख लीजिए, गरीबों के मसीहा कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा है नीरज सिंह, जो हर समय तत्पर रहते हैं और
और उनका हर समय कोई ना कोई कैंप चलता रहता। अभी पिछले दिनों में बेलवा में आपने देखा था कि मीठा जल को लेकर वहां पर भी शिविर लगाया गया, तो जो लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे उस शिविर में उन्होंने मीठा जल का जल लेकर पीकर उनको भरपूर आशीर्वाद दिया था। और आज धनकौल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य बहुत ही मनुष्य के लिए एक अहम चीज़ होता है, स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं और इलाज कराने के लिए आए हुए। चाचा जी इलाज कराने के लिए आए हुए हैं? हाँ। क्या हो रहा है आपको? हमको डांड से लेकर के पूरा गोड़ तक जलन भी आता है, दर्द होता है, इसके बाद खारा होने का मन नहीं कर। डॉक्टर ना नहीं, नीरज सिंह के द्वारा ही कैंप लगाया गया है, नीरज सिंह फाउंडेशन के द्वारा। क्या कहना चाहिएगा उनको? उनको क्या कहेंगे, यही दुख बता देंगे। दुख के आपको दुख के लोग यहाँ कैंप लगाए हैं कि आप लोग का दुख मिट जाए, डॉक्टर यहाँ पर आए, डॉक्टर आपका इलाज करे। क्या कहना चाहिएगा उनको? वही कहेंगे कि हम लोग का दुख खत्म होना चाहिए। देखिए कह रहे हैं कि अगर उन्होंने उनके द्वारा जो कैंप लगाया गया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और तमाम आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिला पुरुष दोनों यहां पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे धनकौल गैस एजेंसी के पास लोगों का आना चालू हो चुका है और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लोग पहुँच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराकर अपना इलाज करा रहे हैं और हर समय नीरज सिंह तत्पर शिविर लगा रहे हैं। वो जो अन्य चीज़ें हो वो बेलवा में हो या तमाम अन्य जगहों पर ये आगे कैंप ऐसे ही चालू रहेगा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। अच्छा लग रहा है। आप उनकी माँ हैं और बेटा जितने लगातार आपका सेवा दे रहा है पूरे क्षेत्र में, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज नीरज सिंह फाउंडेशन के द्वारा जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं इलाज कर रहे हैं, क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा शिकायत आ पा रही है? हमारे पास दर्द के पेशेंट आ रहे हैं, घुटना है, बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है और इस तरह के केस आज के डेट में ओवर एज वाले को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इस तरह के केस अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आ रहे हैं और हम स्पेशली जो है इसी चीज़ के हैं, स्पेशलाइजेशन मेरा ऑर्थोपेडिक्स ही, तो हम ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। जो भी लोगों का आप इलाज कर रहे हैं उनको दवाइयाँ भरपूर मिल रही हैं? हाँ, दवाई लगभग सारी मिल रही है। बहुत अच्छा, पब्लिक के लिए बहुत सुविधा दिया है तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये होना चाहिए। नीरज सिंह जी माता जी हैं, वो दिया जला कर उद्घाटन कर रही है इस स्वास्थ्य शिविर का। जी बगल में महिला कर दीजिए उनसे। सभी का इस स्वास्थ्य शिविर में स्वागत करता है।